फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल किचन। फ्रेंड्स, दिवाली तो बस आने ही वाली है। हमें बहुत सारे काम करने हैं दिवाली की तैयारियों में, साथ ही हमें घर की साफ सफाइयों की भी टेंशन है कि कैसे हम बहुत कम टाइम में अपने घर को एकदम साफ चमकता हुआ कर सकें। मेरे आज के इस वीडियो में आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन है, वो भी बिल्कुल सस्ते में है। आज मैं दो ऑल पर्पस क्लीनर बनाऊंगी, एक माइल्ड वाला, दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला। वैसे हमें साफ सफाई करने के लिए महंगे सॉल्यूशन और क्लीनर मार्केट से खरीदने पड़ते हैं, लेकिन मेरे इस क्लीनर के लिए आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये तो घर की रोज की चीजों से ही बिल्कुल सस्ते में बन जाएगा, मुफ्त में ही बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ये डिश वॉश जेल है, जिससे हम बर्तन धोते हैं, ये वो जेल है। और ये सफेद सिरका है, जो हम चाइनीज खाने में अचार में यूज करते हैं। ये तो पानी है, ये है बेकिंग सोडा। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, अभी मैं माइल्ड वाला क्लीनर बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने ये बर्तन लिया है। सबसे पहले इसमें ये 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालूंगी। अब इसमें 2 कप पानी डालूंगी। अब इसमें 1/2 कप विनेगर डालेंगे। विनेगर डालते समय जरा ज्यादा ध्यान रखना है, एकदम से सोडा और पानी के मिक्सचर में हम विनेगर डालेंगे तो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, झाग ज्यादा बनेंगे एकदम से। ये देखिए, थोड़े से झाग बने, मैंने इसको चम्मच से चला दिया। थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल के चलाते जाएंगे, नहीं चलाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, फैल जाएगा। करीब 5 बार थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में चलाना है। बबल्स को सेट होने तक मैं इसको चलाऊंगी थोड़ा सा। देखिए, बबल आने बंद हो गए, सेट हो गए बबल। अब इसमें ये 1/2 मेजरिंग चम्मच से ले रही हूँ, स्पून से 1/2 स्पून डिश जेल लूंगी। अभी इसके झाग थोड़े कम होंगे, फिर हम इसे एक बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, झाग सेटल हो गए, अब ये क्लीनर बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी बॉटल में, घर में कोई भी स्प्रे बॉटल पड़ी है उसमें रख सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल खाली थी, मैंने इसमें इसको भर लूंगी। ये देखिए, मेरा माइल्ड क्लीनर बनके बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे क्या क्या साफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कॉटन क्लॉथ की जरूरत होगी और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अगर ये ना हो तो फोम का भी यूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्नीचर क्लीन करेंगे, थोड़ा सा स्प्रे करेंगे। ये देखिए कितने धब्बे हैं इसमें। डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ मैं। फर्नीचर में मैं डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, टीवी कैबिनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा जिद्दी दाग हो थोड़ा सा लगा के छोड़ के कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत इजी है इससे करना। ये देखिए, मेरी डाइनिंग टेबल अच्छे से पूरी क्लीन हो गई है, चमक रही है। अभी मैं अपने कबर्ड का डोर साफ करूंगी। ये इसका ग्लास लगा हुआ है, इसमें उस पर भी कर रही हूँ। ये देखिए, एकदम क्लीन हो गया ये। अभी इससे फोटो फ्रेम साफ करेंगे, एकदम क्लीन। ये देखिए, मैं अब सेंटर टेबल साफ करने वाली हूँ। बहुत आसानी से इससे हो जाता है सारी सफाई। इसी तरह से आप ड्रेसिंग टेबल भी साफ कर सकते हैं, इससे ग्रिल भी साफ कर सकते हैं, ग्लास वाले स्लाइडिंग डोर, फैन और भी जो हो माइल्ड क्लीनिंग वाला फर्नीचर, वो सब साफ आसानी से, बहुत आसानी से कर सके। सेंटर टेबल बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हम स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए, अभी मैं स्ट्रॉन्ग वाला क्लीनर बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले बर्तन में 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। ये स्ट्रॉन्ग वाला है ना, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग के लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा डाल रहे हैं। और 2 कप पानी डलेगा अभी। अब आई विनेगर की बारी। अब इसमें पिछली बार माइल्ड वाले में 1/2 डाला था, इस बार 1 कप पड़ेगा।
इससे गहरी चिकनाई, ग्रीस वाले दाग धब्बे, गहरे गहरे सब बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। मैं बताऊंगी आपको सब कुछ। बबल्स सेटल होने तक इस बार ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है इसमें एक इंग्रेडिएंट ज्यादा है, वो है नमक, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग सफाई के लिए बनाना है ना, गाढ़ी चिकनाई वाली सफाई के लिए। इसके लिए नमक बहुत अच्छा क्लीनर का काम करता है। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बबल सेटल हो जाए फिर दोबारा सब चीजें बहुत धीरे धीरे चलाते हुए डालना है ताकि कुछ ऊपर ना आए। 1 टेबल स्पून नमक हमने डाल दिया। ये देखिए बबल सेट हो गए। अभी मैं 3 टेबल स्पून इसमें डिश वॉश जेल डालूंगी। ये देखिए मेरा स्ट्रॉन्ग क्लीनर बनके बिल्कुल रेडी है। मैं इसको इस बॉटल में ट्रांसफर कर देती हूँ। इससे क्या क्या सफाई कर सकते हैं वो मैं आपको सारा बताती हूँ। इसको साफ करने में किस चीज की जरूरत होगी, कुछ कॉटन के कपड़े से होगा, कुछ मॉप से, और जो बहुत जिद्दी दाग हैं, बहुत हार्ड जहाँ चिकनाई है उसके लिए स्कॉच ब्राइट का यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हार्ड क्लीनिंग में सबसे पहले हम कुकटॉप को क्लीन करेंगे। सबसे पहले इसके रिंग्स निकाल लेंगे, अलग रखेंगे। जहाँ जहाँ ये सारी चीजें हैं, धब्बे हैं, ये काला काला है बर्नर के बगल में, ये सब साफ करना पड़ेगा। क्लीनर डाल दिए, अब इसको साफ करना शुरू करेंगे। इसको घिसना पड़ेगा तभी ये काले काले दाग जाएंगे। इस चीज को हम स्कॉच ब्राइट से घिसेंगे, तो ग्लास वाला पार्ट कपड़े से। इसको मैंने थोड़ा 5 मिनट रख के रगड़ दिया था, अब इसको मैं क्लीन कर लूंगी। कितने सारे दाग धब्बे थे काले काले, ये देखिए कुकटॉप बिल्कुल साफ हो गया, मेरे तीनों बर्नर चमक गए। इसी तरह से हम प्लेटफॉर्म भी कर लेंगे। सिंक में बहुत ज्यादा दाग लग जाते हैं, तरह तरह के दाग धब्बे, खूब गाढ़े गाढ़े चिकनाई के, उनको छुड़ा भी सकते हैं। किचन के नल है ये, इस पे भी कर रहे हैं। ये ज्यादा जिद्दी दाग है ना, इनको हम 5 मिनट थोड़ा छोड़ेंगे। ये देखिए किचन की गंदी टाइल्स भी हम इससे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा छोड़ेंगे 5 मिनट। 5 मिनट हो गए, अब मैं क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मेरा वॉश बेसिन का एरिया पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी हम वॉश बेसिन साफ कर रहे हैं। थोड़ी देर मैंने इसको रख छोड़ा था ना सॉल्यूशन लगा के, अभी मैं इसकी घिस रही हूँ। देखिए कितना साफ निकलता आ रहा है। ये देखिए मेरा वॉश बेसिन बिल्कुल साफ है, इसके पीछे का एरिया एकदम क्लीन हो गया है। ये देखिए वॉश बेसिन के नीचे का एरिया कितना गंदगी जमा है, टाइल्स में भी, कॉर्नर्स में भी। ये जो जितनी दाग है किनारे के, इनमें लगा के 5-10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद क्लीन करना, सब साफ हो जाएंगे। ये देखिए मैंने बाथरूम के टाइल्स भी साफ कर दिए हैं, चारों तरफ से बाथरूम मेरा अच्छे से साफ हो गया है। देखा आपने मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। इसी क्लीनर से, स्ट्रॉन्ग वाले क्लीनर से हम और भी बहुत सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि किचन के ड्रॉअर, कैबिनेट्स, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, चिमनी भी क्लीन हो जाएगी इसी से, और तो और चिपचिपी जाली भी हम इसी से साफ कर सकते हैं। इन सभी चीजों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर मेरे क्लीनर्स पसंद आए हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।